हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आपने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है संगीत के पारिभाषिक शब्द। आपके सिलेबस में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जिनके बारे में, मतलब उनका मीनिंग हम समझेंगे। इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। परिभाषाएँ होती क्या हैं? प्रत्येक विषय या विज्ञान के अपने कुछ विशिष्ट पारिभाषिक शब्द होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, और ये शब्द विशेष विषय और विशेष में अक्सर प्रयुक्त होते हैं। इसी तरीके से संगीत शास्त्र को समझने के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि संगीत में बार बार प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या को समझें। संगीत में जैसे शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, आरोह अवरोह, श्रुति, स्वर, सप्तक, राग, थाट, लय, ताल, आवर्तन इत्यादि शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, और इन शब्दों को समझे बिना संगीत की बारीकियों को नहीं जाना जा सकता। ऐसे अनेक कलाकार आपको मिल जाएंगे जो अच्छे गायक या नृतक तो होते हैं, लेकिन उन्हें संगीत के सिद्धांतों या नियमों की जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों, संगीत जो है एक क्रियात्मक विषय है, और संगीत के सिद्धांतों तथा नियमों को समझने से कलाकार जो है परिपक्व बनता है, तथा संगीत का क्रियात्मक पक्ष जो होता है मजबूत होता है। तो इसीलिए आज कुछ विशेष पारिभाषिक शब्द हैं जिनके बारे में आप भी उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों? तो उसके इंटरनल जो आपके सिलेबस में डेफिनेशंस आती हैं, उसके इंटरनल आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार की डेफिनेशन आप में आती है। अब अलंकार होते क्या हैं? स्वरों के नियमानुसार चलन को अलंकार कहते हैं। मीन्स की जो नियमबद्ध रचना होती है स्वरों की, उनको हम अलंकार कहते हैं। जो ये कुछ विशेष नियमों से बंधे होते हैं, जिन्हें हम पलटा भी कहते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार क्रम अनुसार या नियमबद्ध स्वर समुदायों को अलंकार कहते हैं। मीन्स की जो क्रम अनुसार हो लगातार और जिनके अंदर कुछ नियमों का पालन किया जाता है, ऐसे समुदायों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में स्वरों का एक नियमित क्रम होता है, और अलंकार का अवरोह इसके आरोह का ठीक उल्टा होता है। ये आपको पता है, आरोह अवरोह आप जानते हैं। इसके साथ साथ जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, मीन्स आभूषण या गहना, अर्थात सजाने वाली वस्तु। जिस तरीके से एक स्त्री अपने आप को आभूषणों के द्वारा सुसज्जित करती है, उसी तरीके से ही संगीत के अंदर जो अलंकार है, जो गायन वादन की प्रक्रिया में चार चांद लगाते हैं और संगीत के अंदर सौंदर्य को बढ़ाते हैं। प्राचीन ग्रंथकार जो हैं, अलंकार की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रच्यशते। मीन्स इसका मतलब ये है, कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। पंडित अहोबल जी, जिनका संगीत पारिजात भी आपने पढ़ा है, अलंकार की परिभाषा में लिखते हैं, स्वरों का क्रम अनुसार संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है। मीन्स कि स्वरों को हम एक क्रम के अनुसार बांध देते हैं और उनको संगठित कर देते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। तो बच्चों, ये अलंकार अब आपको लगता है समझ आ रहे होंगे। इसके साथ साथ कहने का मतलब ये है, इनका जो प्रयोग होता है विभिन्न लयों के आधार पर सीधे या उल्टे क्रम में किया जाता है। मीन्स इसमें आरोह और अवरोह दोनों होते हैं। तो बच्चों, ये जो स्वर समूह होते हैं, एक नियमित क्रम में होते हैं। कहने का मतलब ये है, अलंकार का यह नियम भी है, जो क्रम एक अलंकार के आरोह में होता है, उसका उल्टा करके हम अवरोह में होना अति आवश्यक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी
पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है आरोह के जितने स्वर हैं वो वापस अवरोह में भी आएंगे। वाद्य संगीत में के अधिक विद्यार्थियों में अलंकार का अभ्यास करने से रचनात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ती है और उंगलियां अपने वाद्य पर विभिन्न प्रकार से घूमने योग्य बन जाती हैं अगर हम अलंकारों का सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो। गायन में भी अलंकारों का काफ़ी महत्व है। अलंकार का साधारण अर्थ आभूषण होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, जिस तरीके से आभूषण के द्वारा एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगते हैं उसी तरीके से अलंकारों के प्रयोग से ही राग की शोभा भी बढ़ती है। और अलंकार का अभ्यास करने से संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के गाने में लोच तथा रस भी आता है, तो इसीलिए अलंकारों का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ साथ अलंकार शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त तीव्र कोमल स्वर लगाकर भी बनाए जा सकते हैं, परंतु अलंकार बनाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस राग में जो स्वर लगते हैं उन्हीं स्वरों को उस राग के अलंकारों में प्रयोग करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्यों कहते हैं? इसकी कई कड़ियाँ होती हैं जो एक दूसरे से गुथी हुई चलती चली जाती हैं। प्रत्येक अलंकार के आरोही व अवरोही दो वर्ण होते हैं जो एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है आरोही वर्ण में अलंकार मध्य सा से तार सप्तक सा तक जाता है और अवरोही वर्ण में तार सा से मध्य सा तक वापस आता है। मीन्स कि मध्य सप्तक का जो सा है वहाँ से हम शुरू करते हैं और तार सप्तक के साक पर जाकर ख़त्म करते हैं। ये तो आरोह हुआ, और अवरोह में तार सप्तक के सा से शुरू करते हैं और मध्य सप्तक के सा तक हम वापस आते हैं। इसी प्रकार इसके इंटरनल आता है अलंकार के चार प्रकार होते हैं। ये आपको फोर पार्ट्स अलंकार के दिए हुए हैं, सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार, मेरुदंड अलंकार। अब आ जाता है अलंकारों का महत्व कि संगीत में अलंकारों की क्या उपयोगिता होती है। राग की सुंदरता बढ़ाने में अलंकार अत्यंत उपयोगी होते हैं। ठीक है, इनके नियमित अभ्यास से संगीत के विद्यार्थियों को स्वर तथा लय का ठीक ज्ञान होता है। अलंकारों के अभ्यास से राग, आलाप तथा तानों की रचनाओं में भी बहुत सहायता मिलती है, और इसके साथ साथ अभ्यास से स्वरों का लगाव तथा स्वरों का आपसी संबंध ठीक होता है तो गाने में लोच तथा रस भी आता है। जैसा कि अभिनव राग मंजरी में ये लिखा हुआ है, ये आपको एक दोहा दिया हुआ है, शशिना रही तेव निशा विल जलेव नदी लता विपुष्पेव अविभूषिते कांता गीतीर लंकार हीना स्यात। मीन्स अर्थात इसका मतलब यह होता है जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लता तथा आभूषण के बिना स्त्री अच्छी नहीं लगते हैं। ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के बिना अच्छी नहीं लगती हैं। उसी प्रकार अलंकार के बिना गीत भी शोभा नहीं पाते हैं, मतलब सुशोभित नहीं होते हैं। राग के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अलंकार राग के विस्तार से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसीलिए अलंकारों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, अलंकारों के अभ्यास से जो कंठ होता है साधक का वो सज जाता है और वादक के हाथ की उंगलियां अपने साज के लिए भी सज जाती हैं, और इसमें गाते वक्त और बजाते वक्त दोनों में लोच और रस दोनों रहते हैं। इसके साथ साथ आलाप और तानों की तैयारी भी बहुत बढ़िया होती है। अलंकारों के निरंतर अभ्यास से गायन वादन की जो रचनात्मक प्रकृति है उसको भी बढ़ावा मिलता है। अलंकार संगीत के अभिन्न अंग हैं। महान संगीतज्ञ अपने अभ्यास में अलंकारों के अभ्यास को विशेष महत्व देते हैं क्योंकि यह स्वरों का नियमित क्रम में प्रयुक्त किए जाने का अभ्यास और अभ्यास संगीत का प्राण है।
कहने का मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अलंकारों के अभ्यास के ऊपर विशेष महत्व दिया है, विशेष जोर दिया है, क्योंकि इनके ही लगातार अभ्यास करने से क्या होता है, जो हमारा संगीत के प्रति डिवोशन है, संगीत जो है हम जागरूक अवस्था में, कहने का मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से उसको हम अपना गा और बजा सकते हैं। इसीलिए जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं उन्हें अलंकारों का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यहाँ पर देखो आपको आरोह अवरोह के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला जो अवरोह है, पहला जो सप्तक के सात स्वर हैं सीधे सीधे दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं सा रे ग म प ध नी सा, मध्य सप्तक के सा से शुरू आए और तार सप्तक के सा पे ख़त्म है, और अवरोह में आप वापस आएंगे तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक के सा तक, सा नी ध प म ग रे सा। कैसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा, पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में अपने सप्तक के सात स्वर सीधे सीधे गए हैं और आरोह अवरोह में, अब हम इनको ठहर ठहर के जैसे लेते हैं, डबल डबल आरोह में भी और अवरोह में भी। आरोह में जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, अब इसको हम वापस लाएंगे सा सा नी नी ध ध प प मा मा ग ग रे रे सा सा। इसी तरीके से सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी सा सा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा। इस तरीके से हम लगातार सीक्वेंस को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये आपका आरोह अवरोह का जो क्रम है, इनको अगर आप ध्यान से लर्न करते हैं, ध्यान रखते हैं, समझते हैं, तो अलंकार आपको अच्छे से होंगे और आप किसी भी तरीके का जो राग है उसको आप आराम से कर सकते हैं, गा सकते हैं। ये तो मैंने आपको दो तीन एग्जांपल बताए, आपके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ तक आपको काफ़ी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ अब आपको अलंकार की डेफिनेशन समझाने पर अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अलंकार यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है वर्ण की। अब बच्चों वर्ण होते क्या हैं? गाने की क्रिया अर्थात गाने के तरीके को वर्ण कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। कहने का मतलब ये किसी भी गायक का जो गाने का तरीका है, ठीक है, जो गाने की प्रक्रिया है उसको हम वर्ण के इंटरनल लेते हैं, वर्ण के अंतर्गत वो आता है। इसके साथ साथ गाते बजाते समय स्वरों को जो चाल मिलती है उसे वर्ण कहते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर हम गा रहे हैं या हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं तो जो स्वरों के अंदर उसका चाल, मतलब स्वरों का जो एक क्रम सा बनता चला जाता है उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अभिनव राग मंजरी में वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है। किस प्रकार? चलिए अब आप इसको समझिए। वर्ण की परिभाषा में दिया हुआ गान क्रिया चते वर्ण अभिनव मंजरी में इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पर कई जगह पर सिर्फ इतनी ही दी हुई है, ज्ञान क्रियोचते वर्ण है। इसमें आपको काफ़ी बड़ी दी हुई है, आप इसको पूरा देखेंगे। ज्ञान क्रियोचते वर्ण सा चतुरता निरूपित है स्थाया आरोह अवरोही चा संचारी तथ तयत लक्षणम। अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण चार प्रकार के होते हैं जिन्हें हम स्थाई, आरोही, अवरोही व संचारी वर्ण कहते हैं। तो हमारे ग्रंथकारों ने चार प्रकार के वर्ण माने हैं, ठीक है। इसी के साथ हम मतंग मुनि की परिभाषा भी देते हैं। मतंग मुनि की परिभाषा के अनुसार वर्ण शब्देन ज्ञानम उच्यते मीन्स, अर्थात इसका मतलब ये है ज्ञान के प्रसंग में गीत के दो पदों को लेकर विविध स्वर गुच्छों से सजाने की क्रिया वर्ण कहलाती है।
कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई भी किसी भी गाने का प्रसंग ले रहे हैं और गीत के उसके दो पदों को लेकर, दो पद को लेकर, दो स्वरों को लेकर विभिन्न प्रकार के स्वरों से उसे पिरो देते हैं, सजा देते हैं, तो वो क्रिया जो है वर्ण कहलाती है। वह वर्ण का विस्तार तीनों सप्तकों में बताते हैं। तीनों सप्तक कौन से हैं आपको मालूम है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। और वर्ण के चार प्रकार बताते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है, स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण व संचारी वर्ण। इसके साथ साथ पंडित अहोबल जी जो हुए हैं, जिनका आपने संगीत पारिजात में पढ़ा है, वर्ण की परिभाषा के बारे में लिखते हैं, गायन की क्रिया का स्वरों का पद आदि से विस्तार करने को वर्ण कहते हैं। मतलब जो गायन की क्रिया है और उसमें हम स्वरों का उतार चढ़ाव किस तरीके से लेते हैं, उसमें जो उसका विस्तार करते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। भरत मुनि भी गाने की क्रिया को वर्ण बताते हैं तथा गीत के विभिन्न अलंकारों के लिए आश्रयभूत बताते हैं। तो बच्चों, इन सभी परिभाषाओं से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गाते बजाते समय स्वरों के प्रयोग से आवाज़ की जो चाल मिलती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के चार प्रकार, अब हम इनका डिटेल भी देख लेते हैं, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। सबसे पहले आ जाता है स्थाई वर्ण। स्थाई वर्ण क्या होते हैं, किसी भी एक स्वर को बार बार गाने बजाने अथवा उच्चारण करने को स्थाई वर्ण कहते हैं। मीन्स कि एक स्वर को हम बार बार उसके ऊपर जोर दें, उसको स्थिर रहें और एक ही स्वर को बार बार ठहराव के साथ बोलें, तो वो जो वर्ण होते हैं स्थाई वर्ण। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो, हमने सा और रे के ऊपर ठहराव दिया हुआ है, सा 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 रे रे रे। तो इस तरीके से स्वरों पे ठहराव देना स्थाई वर्ण के इंटरनल आता है। सेकंड हमारा आ जाता है आरोही वर्ण। आरोही वर्ण से आप समझ ही गए होंगे, आरोही क्रम के अंदर स्वरों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए गाना और बजाना, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो वर्ण होते हैं आरोही वर्ण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है सप्तक के सातों स्वर, सा रे ग म प ध नी। इसके बाद आ जाता है अवरोही वर्ण। स्वरों के ऊपर से नीचे की ओर आने की क्रिया को अवरोही वर्ण कहते हैं। मीन्स कि जब हमने आरोह क्रम में नीचे से ऊपर गए थे, इसी तरीके से ऊपर से नीचे आते वक्त सेम स्वरों को क्रम वाइज रूप में दोहराना, ये आरोही वर्ण में आता है। एग्जांपल आपको मालूम ही है, सा नी ध प म ग रे सा। इसके बाद बच्चों आता है आपका संचारी वर्ण। इसमें क्या होता है, संचारी वर्ण में स्थाई, आरोही, अवरोही, इन तीनों वर्णों का मिश्रण जो होता है, इन तीनों वर्णों को जब हम मिलाकर एक वर्ण बनाते हैं वो संचारी वर्ण कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी स्वर ऊपर की तरफ जाता है और कभी नीचे की तरफ आता है, और कभी कभी एक स्वर को हम बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार यूज में लाते हैं, इसीलिए इसमें तीनों वर्ण आते हैं। और तीनों वर्ण जो है अपना रूप दिखाते हैं, मतलब अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपनी सुंदरता दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, सा रे रे ग ग म म प प ध प म ग रे सा। तो इस तरीके से ये इसका एग्जांपल आता है। आप किसी भी प्रकार का गायन देखेंगे, अगर आप किसी संगीतकार को सुन रहे हैं, गायन देखेंगे, तो आपको ये चारों वर्ण अवश्य मिलेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो जो गान की क्रिया है प्रॉपर रूप से नहीं चल सकती है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, कि वर्णों का क्या महत्व होता है। किसी भी राग का स्वरूप तभी मनोरंजक व कर्णप्रिय बन सकता है जब उसके गाने बजाने का ढंग, स्वरों का चलन, राग में लगने वाले स्वरों की प्रकृति सही व स्पष्ट हो। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी राग को गा और बजा रहे हैं या सुन रहे हैं
तो उसकी सुंदरता तभी आपको अच्छी लगती है, आपको सुनने में भी तभी अच्छा लगता है और आप तभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं जब उसमें गाने और बजाने का ढंग और स्वरों का उतार चढ़ाव, सुर लय ताल, स्वरों की प्रकृति आपको सही तरीके से समझ आ रही हो और स्पष्ट हो बिल्कुल। जहाँ एक और राग में स्वरों का महत्व है, वहीं दूसरी ओर वर्ण का भी विशेष महत्व होता है। ठीक है, प्रत्येक राग किसी न किसी वर्ण विशेष से संबंध रखता है, ये हमेशा याद रखना। जैसे राग दुर्गा स्थाई वर्ण का है, राग कल्याण आरोही वर्ण का, राग देसी अवरोही वर्ण का, राग कॉफी संचारी वर्ण का, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कई राग जो है एक से अधिक वर्ण भी उसके अंदर आते हैं तो वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे या हम यही कहते हैं, राग निर्माण में वर्ण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण शब्द में संगीत की बहुत बड़ी एक विशालता छुपी हुई है जो संगीत की रचना को रंजकता और सुंदरता प्रदान करती है। ठीक है, इसके साथ साथ रियल में वास्तव में राग वह ज्ञान क्रिया है, वह संगीत में लय है जिसमें स्थाई आरोही अवरोही और संचारी वर्ण में समन्वित करके प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स की इस लाइन का कहने का मतलब बच्चों ये है, राग गाने की वह प्रक्रिया है और उसके अंदर संगीत की जो लय है, तान है, सुर है, आलाप है, तान मतलब मधुरता, कहने का मतलब सुंदरता और मधुरता, वही उसी से आती है जिसके अंदर इन चारों वर्णों का पूरा समावेश होता है। तो इन चारों वर्णों के द्वारा ही राग को गति मिलती है, राग की सुंदरता बढ़ती है, उसमें रंजकता आती है, उसमें लोच आता है, तो ये सब वर्ण के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बच्चों ये आज आप दो डेफिनेशन करेंगे अलंकार की और वर्ण की। ठीक है, कुछ और डेफिनेशंस के साथ मैं कल फिर हाजिर होंगी आप सब बच्चों के समक्ष। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए, समझिए और लर्न करिए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।